हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस जो वीडियो हमारी बन रही है, इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये जो मंथली लव राशिफल है नवंबर 2022 से संबंधित है। और आपको बता दें, क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है तो ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों। अब क्योंकि जो बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं इस लव राशिफल के माध्यम से, वो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ तुला लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस जातक हैं उन्हीं के ही विषय में इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, उन्हीं के विषय में प्रेडिक्शन देंगे, बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आप तुला राशि के लग्न राशि के जो जातक हैं, उनके लिए नवंबर 2022 में किस प्रकार का परिणाम या रिजल्ट्स आपके सामने आने की संभावना बन रही है। और मुख्य तौर पे हम पांच अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। नंबर एक, जो सिंगल जातक हैं जिनका कोई मित्र अभी तक नहीं है, उनको लेकर के बात करेंगे कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है नवंबर 2022 में आप तुला लग्न राशि के जातकों की कि आपका कोई मित्र बन पाए, इसके विषय में बात होगी। दूसरी बात होगी कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर कहीं लव अफेयर में हैं तो कितनी प्रोग्रेस होगी, होगी या नहीं होगी, कोई बीच में प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी या उसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, ये सब सब बातें आपको बताएंगे। और तीसरी बात करेंगे कि विवाहित व्यक्ति जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा नवंबर 2022 में तुला लग्न राशि के जातकों का। पॉइंट नंबर फोर होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तुला लग्न राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे इस महीने नवंबर 2022 में। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं, जो जातक तुला लग्न राशि के, तो यदि अगर वो अपना चाहते हैं संबंधों को दोबारा से बनाना अपने पुराने मित्र के साथ जिसके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, तो क्या इस बात की संभावना है ग्रहों के आधार पर कि उनको कुछ सक्सेस मिल पाए या वो जो प्रयास करेंगे उसमें उनको निराशा ही हाथ तो नहीं लगेगी, ग्रह कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं इस नवंबर 2022 में, ये हम सारी पांच पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। नंबर एक, जैसा मैंने कहा, सिंगल जो जातक हैं तुला लग्न राशि के, सबसे पहले हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो देखिए साथियों, जैसे आप तुला लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं, आप यदि आप किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी को भी, चाहे वो फीमेल है या मेल है, अगर आप में, अगर आपकी उसमें दिलचस्पी है उस व्यक्ति में जिसको कि आप अपना मित्र बनाने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर विशेष रूप से 16 तारीख तक, यानी कि ये अगर हम कहें कि भाई 1 नवंबर से लेकर माह के मध्य तक 16 नवंबर तक ये परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। और वो इसलिए नहीं रहेंगी कि आप अगर जिसको अपना मित्र मानते हैं या मान चुके हैं मनी मन, बेशक आपकी उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत उनसे खुलने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिल जाए, बल्कि जो भी रिप्लाई मिलेगा 16 नवंबर तक वो कहीं ना कहीं आपको उससे निराशा अधिक होने की संभावना है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर आपको एक सुझाव है, वो ये है कि जो आप सिंगल जातक हैं तुला लग्न राशि के, 16 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ उनको ऑब्जर्व करें, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करें, मिलते रहें, बातचीत करते रहें, लेकिन
अपनी तरफ से कुछ भी कोई स्टेप अभी ना लें, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो ग्रहों का अभी जो स्थिति है वो अभी आपके अनुकूल नहीं है, और कोई ना कोई उधर से कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा, चाहे वो बातों के माध्यम से हो, चाहे वो व्यवहार के माध्यम से हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से हो, कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है। तो 16 नवंबर तक तो आप चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, शांत रह करके चीज़ों को देखिए, ज़्यादा अच्छा है ये। उनके बारे में तहकीकात करें कि भाई इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आपके पास नहीं है, तो सबसे पहला कार्य आप इन 16 दिनों में यही कीजिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए उनके बारे में कि जिसको आप मित्र मान रहे हैं क्या सही मायने में वो आपका मित्र बनने के काबिल है भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दिल दे बैठे हों और पता चला कि बाद में वहां से तो गड़बड़ हो गई, तो फिर वो और ज़्यादा दुखद स्थिति हो जाएगी। तो अभी 16 नवंबर तक ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में या शीघ्रतापूर्वक कोई एक्शन लेते हैं तो उसका कोई अच्छा ठोस नतीजा आपके सामने आ जाए, इसकी संभावना तो नहीं है, बल्कि इसके विपरीत, इसके उलट आपको थोड़ा निराश भी होना पड़ सकता है। जैसा मैंने कहा, ये परिस्थिति रहेंगी 16 तक। 16 के बाद स्थिति कैसी रहेगी, 16 के बाद देखिए ग्रहों की चाल बदल रही है, ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का राशि परिवर्तन है। तो जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो आपको रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार मिलने आरंभ होंगे, और ये कहा जा सकता है कि आप धीरे धीरे एकदम, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं और सामने वाले को देख करके हम अपने आप पर कंट्रोल या काबू नहीं रख पाते हैं और हम अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो तुला लग्न राशि के जो मैं सिंगल जातक हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि आप धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं 16 नवंबर के बाद, एक साथ और बहुत जल्दीबाजी में ना रहें। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो है वो सही दिशा में चल रही हैं, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्लो स्पीड से आगे चलिए, जिसका क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली, अब आप अगर सेटिस्फाई हैं पूरी तरह से, संतुष्टि आपकी हो चुकी है, तब आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप धीरे धीरे कि भाई ठीक है मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको आपके अनुकूल मिलने आरंभ होंगे, उधर से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलना आरंभ होगा। ये स्थिति रहेगी आपकी, और ये स्थिति काफ़ी सुखद रहेगी आपके लिए, इससे आप काफ़ी संतुष्ट भी होंगे कि भाई चलिए ठीक है। और अगर आप जल्दबाजी में हैं और 1 तारीख से 16 के बीच में अगर हम जैसा हम कह रहे हैं कि भाई स्थिति ठीक नहीं रहेगी और आपने ऐसा कुछ एक्शन ले लिया तो आपको अनुभव हो जाएगा। हमारा तो काम है कि ग्रहों के आधार पर हम आपको गाइड करें कि कब समय अच्छा है, कब नहीं है, कब आपको अच्छा एक्शन लेना है, कब वो एक्शन लें कि जिससे आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलें, और कब आप ना लें, अगर ले लिया तो फिर आपको उसके दुष्परिणाम ही प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है। साथियों, आपसे कहना चाहते हैं हम कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, चल रहे हैं, और या कहीं अफेयर आपका है, तो देखिए जो मैं ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं ये कुछ इस प्रकार की है कि माह के मध्य के उपरांत, यानी कि यह कहा जा सकता है कि 16 तारीख के बाद आपका जो अपने जो मित्र है, चाहे वो मेल है फीमेल है जो भी है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत होगी, उसमें अच्छी प्रोग्रेस करेंगे आप, आपकी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी अपने संबंधों में, और एक दूसरे के प्रति आप काफ़ी
कमिटेड भी रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। शुरू के जो 15-16 दिन हैं इसमें आपको कुछ थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, अपने मित्र को समय देने के में आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपके मित्र ने कहा कि भाई कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, कुछ कहीं चला जाए घूमने के लिए, कहीं पिकनिक के लिए, तो आपके पास समय ना हो, आप उनको कहें कि भाई मेरे पास समय नहीं है, या आपकी ओर से कहा जाए तो आपके मित्र की ओर से ये जवाब आ जाए कि नहीं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये चीज़ें रहेंगी माह के मध्य तक। लेकिन माह मध्य के उपरांत आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे और अपनी मित्रता को एंजॉय करेंगे माह के अंत तक। और साथियों, यदि आपकी प्लानिंग विवाह आदि करने की भी बन रही है तो विवाह की तो अभी संभावना नहीं है। हाँ, ये है कि ये रिलेशनशिप आपकी और मजबूत स्थिति में जाने वाली है महामध्य के उपरांत, और इसको आप और बहुत अच्छे ढंग से इसको एंजॉय करने वाले हैं। यानी कि जो कमी शुरू के 15 दिन में थी वो ये आप अगले 15 दिनों में पूरी कर लेंगे। आगे की बात करना चाहते हैं हम, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, उनका वैवाहिक जीवन देखिए मिला जुला है। वैवाहिक जीवन आपके 1 नवंबर से लेके और 16 नवंबर तक मिला जुला, यानी कि बीच बीच में कभी तकरार भी होगी, फिर आपस में आप अपना कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे, आपको ये दिमाग में आएगा कि भाई कुछ नहीं रखा है झगड़े फिसाद में या कुछ टेंशन क्रिएट करने में, चलो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होगी ऐसी परिस्थितियाँ, वो फिर दोबारा किसी ना किसी बात को लेकर के पंगा खड़ा कर हो जाएगा आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आपके जीवन साथी के साथ आपका, तो ये तनाव चलता रहेगा, मतलब मिले जुले परिणाम आपको मिलते रहेंगे माह के मध्य तक। महामध्य से लेके माह के अंत के बीच में जो है परिस्थितियाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सुखद हो जाएंगी, तनावपूर्ण तो एटमॉस्फेयर बना रहेगा आप दोनों के बीच में, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना कि माह के मध्य तक था। बात बात पर झगड़े, बात बात पर कहना सुनना एक दूसरे को, तनाव, ये चीज़ें जो रहेंगी वो माह के मध्य तक अधिक रहेंगी। हालांकि मैंने जैसा कहा कि कंप्रोमाइजिंग मूड में भी रहेंगे आप, बाद में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, वाद विवाद हो जाएगा, फिर बाद में कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे, लेकिन महामध्य से माह के अंत के बीच में तनाव तो रहेगा, शिकायतें भी रहेंगी आपको एक दूसरे से, लेकिन ये स्थिति थोड़ी सुधार हो जाएगा इसमें 15 दिन के बाद। महामध्य से थोड़ी कमी आएगी, मतलब तनाव में रहेगा तो ज़रूर। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बड़ी मजबूत है आप तुला लग्न राशि के जातकों की, बहुत, और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 नवंबर से स्थिति बदल रही है। 13 नवंबर से लेकर और माह के अंत तक का जो समय है इसमें जो आपका मित्र है उसकी ओर से भी, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ये महीना जो है 13 तारीख से और माह के अंत तक का जो है इसमें आप अपनी इस रिलेशनशिप को भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, जो ग्रहों की स्थिति कह रही है। भरपूर एंजॉय का मतलब होता है कि एक लिमिट से आगे निकल जाना, तो वही स्थिति यहाँ पर बनती है 13 नवंबर के बाद। 13 नवंबर से पहले भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन 13 नवंबर से और माह के अंत के बीच में तो मुझको ऐसा लगता है कि जो ग्रहों की स्थिति है कि आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी जाने में पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ पर 1 नवंबर से और 13 नवंबर के बीच में भी काफ़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी अपने उस मित्र के साथ, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे आप इस महीने। किसी प्रकार की कोई कहें कि भाई आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं या वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप सारे काम छोड़ करके उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, और आपका वो मित्र भी कोशिश यही उसकी रहेगी, चाहे वो अवेलेबल हो या ना हो, कोशिश यही करेगा वो भी आपका मित्र जो है, या मेल है चाहे फीमेल, कि वो भी आपके लिए समय पूरा निकाल पाए, आपको दे पाए।
तो ये स्थिति रहेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, आप तुला लग्न राशि के जातकों की इस महीने। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग जा चुके हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखिए, आप किसी भी कारण से हैं, अलग हो गए हैं, अब आप दोबारा चाहते हैं कि आपके पुराने मित्र के साथ आपके वही संबंध बने जैसे कभी होते थे। उसके लिए आपको देखिए शुरू के 16 दिन 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में, तो जो भी आप कोशिश करेंगे उसमें कोई अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए इसकी संभावना दूर तक भी नहीं है। कहीं ना कहीं उल्टी निराशा भी आपको हाथ लग सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है 16 नवंबर तक। हाँ, 16 नवंबर के बाद कुछ परिस्थितियों में सुधार दिखाई दे रहा है और जो आपके प्रयास चल रहे हैं उन प्रयासों में आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी देखने को। आपका जो मित्र है उसकी ओर से भी कुछ अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स आपको मिलने वाले हैं अगर आपके प्रयास जारी रहे। थोड़ा बहुत ज़रूर आपको ये लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ अब कुछ ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये स्थिति जो है ये बनेगी 16 नवंबर के बाद और माह के अंत तक, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपने मित्र की ओर से। चाहे उनकी सहमति मिल जाए आपको, चाहे उनसे आपकी मुलाकात हो और वो बहुत एक तरीके से अच्छे माहौल में हो, उनका एटीट्यूड आपके प्रति पॉजिटिव रहे, इन ऐसी कोई चीज़ या उनका कोई अच्छा मैसेज आपके पास आ जाए, या कोई आप मैसेज डालते हैं तो उसका जवाब कुछ ढंग से वो दे दें, तो इस रूप में आपको जो है वो 16 नवंबर के बाद कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है तुला लग्न राशि के जातकों। तो मेरे साथियों, आप तुला लग्न राशि के जातकों को ये मंथली लव राशि फल कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आपके सोशल सर्किल के लोग हैं या फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं उनकी सबकी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।